हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियोस। तो आज हमारे सामने है टाटा की न्यू लॉन्च अल्ट्रोज रेसर। तो अल्ट्रोज रेसर के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं टाटा ने, उसी चेंजेस को हम आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे ऑटो एक्सपो के अंदर। तो ऑटो एक्सपो में ये गाड़ी अपने सामने खड़ी हुई है। ओवरऑल गाड़ी का लुक इस तरीके से आ रही है, देख लो पूरा प्रॉपर जो लुक मिल रहा है वो इस तरीके का लुक मिल रहा है गाड़ी में। बात कर लेते हैं गाड़ी के पूरे डायमेंशंस की, तो कर्व्स एंड कट्स काफ़ी दिए गए हैं गाड़ी के अंदर। जो फ्रंट में आप देख रहे हो ग्रिल है, यहाँ पे टाटा ने अपना यहाँ पे आपको मिलता था टाटा के अंदर पहले, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक सिल्वर फिनिश के अंदर आता था जो कि उसको एकदम खत्म कर दिया गया, और यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर ओवरऑल ब्लैक ब्लैक दिया गया। तो ब्लैक जो लुक है ना इसकी गाड़ी की ब्यूटी को इन्हेंस कर रहा है। फ्रंट जो है पूरा का पूरा एक रेसिंग गाड़ी वाला लुक दे रहा है, जो फ्रंट से गाड़ी एकदम लग रही है कि स्पोर्टी और रेसर गाड़ी है, तो नाम भी इसको दिया गया रेसर। तो अब बात कर लेते गाड़ी के फ्रंट पे, तो फ्रंट में भाई सबसे पहले गाड़ी ने टाटा ने अपना वही ग्रिल इंट्रोड्यूस की है, जिसमें कि आपको पूरा ब्लैक पियानो फिनिश का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे अपना जो है फ्रंट लाइट जो है वो अपना दी गई है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ में, नीचे की तरफ आपको फॉग लाइट दे दी गई है एलईडी के साथ में। सामने देखो बम्पर है, बम्पर में काफी अच्छा प्रोवाइड किया गया, ड्यूल टोल कलर के अंदर बम्पर दिया गया है, तो बम्पर भी अपना जो है ना गाड़ी को काफी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रहा है भाई। तो ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी का जो फ्रंट है बहुत ही मैसिव और अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है, रेसर वाला जो लुक है वो आ रहा है, गाड़ी लग रही है स्पोर्टी गाड़ी प्रोवाइड हो रही है। टाटा काफी अच्छा काम कर रहा है भाई अपने सेगमेंट में गाड़ी में, तो काफी अच्छे चेंजेस किए हैं। तो जो इसके कर्व्स एंड कर्व्स है वो बहुत ही अच्छे प्रोवाइड हो रहे हैं। भाई बात कर लेते हैं बोनट की, तो वो जो बोनट है पूरा का पूरा चेंज कर दिया है टाटा ने, जो पहला वाला बोनट था उससे बिल्कुल ही अलग है। इसके जो कर्व्स एंड कर्व्स है वो बहुत ही अच्छे, ये देख रहे हैं आप फील कर सकते हैं, जो इसकी जो कवनेस है वो बहुत अच्छी आ रही है। तो भाई देखने में ओवरऑल देखा जाए तो टाटा ने काफ़ी अच्छा काम किया है, अपने जो अल्ट्रोज वाला जो वर्जन है उसको अपडेट किया है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी कुछ इस तरीके से लगती है भाई। तो यह है गाड़ी का ओवरऑल साइड प्रोफाइल, तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी ड्यूल टोन कलर में अपने को मिल रही है। रूफ जो है पूरी की पूरी ड्यूल टोन मिल जाती है अपने को, साथ ही साथ नीचे की तरफ अपना जो है बॉडी पैंट में ही आपको इसके डोर हैंडल रिक्वेस्ट सेंसर के साथ मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे अपना जो देख लेंगे आप साइड ORVM जो है वो भी अपना ग्लोसी फिनिश के साथ मिल रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी टर्न इंडिकेटर वाला सेगमेंट नहीं मिल रहा, टर्न इंडिकेटर नहीं मिल रहा, ना ही कोई 360 कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका फेंडर के ऊपर ही आपको इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं, और यहाँ पे अपना दी गई है रेसर की बैजिंग जो कि फेंडर के ऊपर है, ड्यूल टोन फेंडर के अंदर अपना आ जाती है गाड़ी। साथ ही साथ यहाँ पे योकोहामा के इसमें आपको टायर प्रोवाइड किया गाड़ी में, 16 इंचेस का व्हील मिलता है डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ। तो भाई ये इसका ओवरऑल लुक है साइड से, ड्यूल टोन कलर में आता है, जो अपना गाड़ी का ए पिलर है वो भी काफी बड़ा और ह्यूज साइज ए पिलर है, और पीछे का जो ग्लास है वो भी काफी बड़ा है। डोर हैंडल आपको पीछे यहाँ पर आपको मिल जाता है ऊपर की साइड में, जैसे कि अपना सेम यहाँ पे स्विफ्ट वगैरह वाला ही अपना डोर हैंडल आपको यहाँ मिल जाता है। नीचे की तरफ जो है जो अपना व्हील्स हैं उन पर भी टाटा का लोगो मिल रहा है, बहुत ही प्यारी बैजिंग मिल रही है, ड्यूल टोन कलर के अंदर गाड़ी लॉन्च की है टाटा ने। पीछे की बात कर लेते हैं बैक साइड में, तो बैक साइड में भी आप देखोगे तो स्पॉइलर वगैरह दिया गया है, काफ़ी ह्यूज साइज स्पॉइलर दे दिया है, जो कि एक तरीके से ना गाड़ी को स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रहा है कि रेसिंग वाली गाड़ी है, स्पोर्टी लुक है। साथ ही साथ यहाँ पे अपने आपको डार्क शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड हो जाता है, पीछे की तरफ अपने को मिल जाती है टाटा का लोगो, नीचे अल्ट्रोज की बैजिंग, बैक साइड से गाड़ी सेम वही है बट लेकिन बैक लाइट में थोड़ा सा चेंजेस किया है, जो पहले वाली थी वो जेड शेप में थोड़ी आती थी लाइट्स, तो उसको यहाँ पे इन्होंने अपना एलईडी के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। टोटल पूरा एलईडी सेगमेंट दे दिया गया है, स्टॉप लाइट जो मिल जाती है पूरी प्रॉपर एलईडी है, साथ ही यहाँ पे अपना जो स्टॉप लाइट है वो भी एलईडी में मिल जाती है, ऊपर स्पॉइलर मिल जाता है, नीचे स्टॉप लाइट मिल जाती है, डिफॉगर मिल जाता है आपको, साथ ही साथ यहाँ पे वाइपर मिल जाते हैं, वोकल लोकल की बेजिंग मिल जाती है। तो ये ओवरऑल इसका डैशबोर्ड है, पीछे की तरफ आपको दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो कि बम्पर पे मिल जाते हैं, नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, और पीछे एक अपना स्टॉप लाइट मिल जाती है बम्पर पे, पीछे की तरफ अपना नीचे यहाँ पे अपना कैमरा मिल जाता है पार्किंग कैमरा। तो ये ओवरऑल डैशबोर्ड पीछे का लुक है गाड़ी का, जो कि बहुत ही प्यारा लुक प्रोवाइड कर रही है गाड़ी। साइड से देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक प्रोवाइड हो जाता है गाड़ी में। अंदर का मैं लुक आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का है, जब गाड़ी लॉन्च होगी तब वहाँ से आपको दिखाएंगे। अंदर भी काफ़ी अच्छा काम किया है टाटा ने, अपोस्ट्रोफी काफ़ी अच्छी है, लेदर अपोस्ट्रोफी दी गई है अंदर, साथ ही साथ अंदर 8 इंचेस की जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो भी दिया गया है, और साथ ही साथ बहुत सारे कंट्रोल्स हैंडल पर दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि टाटा ने इसमें आपको सनरूफ इंट्रोड्यूस किया है। तो ये है इसका सनरूफ, जो कि काफ़ी ह्यूज साइज सनरूफ है। तो भाई अपने इस सेगमेंट के अंदर टाटा अपना जो है
सनरूफ दे रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि टाटा हुंडई को हिलाने वाला है, i20 को प्रॉपर तरीके से कंपटीशन देने वाला है, बहुत तगड़े लेवल पे कंपटीशन मिलने वाला है हुंडई को। तो भाई हुंडई का जो लेवल है अब उसको अप करना ही पड़ेगा हुंडई को, अपने i20 सेगमेंट को उठाना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही प्यारा लुक दिया गया गाड़ी में। ओवरऑल पूरा अगर बात करें पूरी गाड़ी की तो गाड़ी एकदम से लग रही है कि यार स्पोर्टी लुक है, जैसे कि देखते ना हम स्पोर्ट्स की गाड़ी है, तो नाम भी रेसर दिया गया है तो उसको पूरा जस्टिफाई कर रहा है टाटा। तो इसके लिए टाटा के लिए एक लाइक बनता है भाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।